दोस्तों आज की वीडियो हम देखने वाले हैं प्रोग्राम को कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे जो आपको स्क्रीन पे प्रोग्राम दिखा रहा है, अब इस प्रोग्राम को अगर हमें दूसरे प्रोग्राम नंबर में लेना है तो हम इस प्रोग्राम को कैसे लेंगे। और अगर जैसे कि मैंने यहाँ पे N1 का प्रोग्राम बनाया है, अब ये प्रोग्राम मुझे डिलीट नहीं मारना है, इसके जगह पर मुझे दूसरा प्रोग्राम बनाना है, तो इस प्रोग्राम को मैं नीचे लेना है मुझे, तो कैसे लेंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम यही देखने वाले हैं, मगर उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना, और चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं इस प्रोग्राम को दूसरे प्रोग्राम में हम कैसे लेंगे। जैसे कि मेरे यहाँ पे जो प्रोग्राम नंबर लिया है वो 11 नंबर का प्रोग्राम है। अब इस प्रोग्राम को मैं अलग नंबर में लेता हूँ, तो मैं अलग नंबर लेता हूँ, प्रोग्राम नंबर डालता हूँ 21। हाँ, 21 डाल के इंसर्ट कर दूंगा। यहाँ पे प्रोग्राम नंबर हमारा इंसर्ट हो गया, उसके बाद एंड ब्लॉक लगा के इंसर्ट कर दूंगा। 21 नंबर का प्रोग्राम आ गया। हाँ, अब हमें निकालना है कितना नंबर, 11 नंबर। 11 नंबर का प्रोग्राम निकाला। अब 11 नंबर का ये प्रोग्राम आ गया, तो हमें जब पूरा प्रोग्राम को अगर कॉपी करना है तो हम सबसे पहले दोस्तों इसको N1 पे लेना है। अगर हम प्रोग्राम नंबर के साथ कॉपी करेंगे, चलिए मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। सेलेक्ट किया, अब पूरा प्रोग्राम मैं कॉपी कर लिया, पूरा प्रोग्राम दोस्तों कॉपी हो गया। अब इस प्रोग्राम को मैं कॉपी कर रहा हूँ, क्या दिख रहा है, कैन नॉट एडिट प्रोग्राम नेम। इसका मतलब ये प्रोग्राम कॉपी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे प्रोग्राम नंबर भी कॉपी कर लिया हूँ। प्रोग्राम नंबर हमें कभी भी कॉपी नहीं करना है, उसके नीचे लेना है। मैं इसको डिलीट मार देता हूँ। अब N1 पे लिया, अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। देखिए, अगर पूरा प्रोग्राम अगर हमें सिलेक्ट करना है तो यहाँ लेके ये बटन दबाएंगे सिलेक्टेड का, तो पूरा प्रोग्राम कॉपी हो जाएगा। और अगर हमें पूरा नहीं करना है तो ये मतलब जितना हिस्सा कॉपी करना है तो ये सेलेक्ट का बटन दबाएंगे और उसे हम मैनुअल कॉपी करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, मैनुअल सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ तक चाहिए। चलिए हमको पूरा चाहिए, तो पूरा मैं कर लिया। अब इसको मैं कॉपी करूँगा, कॉपी कर लिया। अब इस प्रोग्राम को मैं कितने नंबर में लेके जा रहा हूँ, 21 नंबर पहले से मैं डाल के रखा हूँ। अगर मैं नहीं डाल के रखा हूँ तो भी वो 21 डाल के इनपुट करूँगा तो नया प्रोग्राम हमारा इनपुट हो जाएगा। बहरहाल मैं पहले नाम डाल के रखा था, उसके बाद यहाँ पे 21 में सेलेक्ट करके सर्च किया, आ गया। अब पेस्ट करूँगा, वर्क एक्स किया, पूरा प्रोग्राम आ गया दोस्तों। अब इस प्रोग्राम में जैसे कि N1 का प्रोग्राम है, अब N1 का प्रोग्राम अगर हमें कॉपी करके नीचे लेना है तो सेम वैसे ही करेंगे। इसको सेलेक्ट करेंगे, जितना भी प्रोग्राम हमें कॉपी करके नीचे लेना है, कितना हिस्सा हमें कॉपी करके नीचे लेना है, सेलेक्ट किया, कॉपी किया, सबसे नीचे चले जाएंगे। सबसे नीचे जाके मैं थोड़ा गैप डाल के इस प्रोग्राम को पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट किया, देखिए M30 हमारा प्रोग्राम यहाँ पे एंड था, N1 का पूरा प्रोग्राम यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों अगर हमें इस प्रोग्राम में कट भी लगाना, जैसे N1 का प्रोग्राम हमें डिलीट मारना है, एक एक करके से डिलीट करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो उसको अगर हमें सेलेक्ट करके डिलीट करना है तो उसको सेलेक्ट का बटन पर जाएंगे, कितना सेलेक्ट करना है मतलब जितना हमें कट लगाना है उतना सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद कट कर देंगे। देखिए N1 का प्रोग्राम हमारा डिलीट हो गया। इस तरीके से दोस्तों हमें कोई भी प्रोग्राम को कट कॉपी पेस्ट करना है तो ऐसे ही करना, कोई भी मशीन में। और एक तरीका जैसे कि मैंने यहाँ पे एडिट में करके आपको दिखाया है, एडिट में लिया हूँ और प्रोग्राम को मैं कॉपी पेस्ट किया हूँ। अगर हमारा मशीन रन है, जैसे कि कोई जॉब लगा है, साइकिल टाइम लंबा है, उस बीच में हमें प्रोग्राम एडिट करके पहले से रेडी करके रखना है, ऑटो में रहने दीजिए, ऑटो में रहने दीजिए। हमें सबसे पहले जो प्रोग्राम देखे थे कितना नंबर था, 11 नंबर का प्रोग्राम, अब इसको हमें कॉपी करना है कितना, 21 नंबर में, और मशीन हमारा ऑटो में है तो भी हम कर सकते हैं। कैसा करना रहेगा, उसके लिए हमें जाना रहेगा बिग एडिट। अभी ऑटो में है मेरा मेन प्रोग्राम, कितना है 21, बिग एडिट में मैं निकाल रहा हूँ, किसमें, बिग एडिट में, कितना नंबर, 11 नंबर प्रोग्राम निकल गया हमारा। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को मैं सेलेक्ट करने जा रहा हूँ, सेलेक्ट करूँगा, कॉपी किया, पूरा प्रोग्राम नहीं किया, थोड़ा करके आपको दिखा रहा हूँ, कॉपी किया, उसके बाद 21 नंबर लिया, हालांकि वो मेरा मेन प्रोग्राम है, इसमें नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि मैं 21 मेन प्रोग्राम है, इसके लिए ये नंबर सेम नहीं होगा, तो उसके लिए हमें दूसरा कोई प्रोग्राम नंबर निकालना होगा। मैं ले लेता हूँ 23 नंबर लिया, आया प्रोग्राम। मैं इसको लास्ट में जाके आपको पेस्ट करके दिखाता हूँ। इसके बाद यहाँ पे इंटर ब्लॉक डाल दिया, नीचे देखिए पेस्ट, देखिए यहाँ थोड़ा प्रोग्राम लिया था, ऑटो में रख के भी हमारा प्रोग्राम कॉपी हो गया, और ऑटो में रख के कट भी हो जाएगा, कोई भी नंबर का प्रोग्राम हम इधर से उधर ले सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों हमें कोई भी प्रोग्राम कट कॉपी पेस्ट करके लेना है। अब ये प्रोग्राम मैं डिलीट मार देता हूँ, क्योंकि ये मेरा रनिंग का प्रोग्राम है, इसके नीचे मैं कॉपी करके आपको दिखाया, सेलेक्ट किया, ये कट कर दिया। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही। वीडियो कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।